हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं दीप त्रिवेदी। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के जो कि कैलकुलस के अंतर्गत आने वाला टॉपिक इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। जिसमें क्वेश्चन है एक क्या, जो कि दो बार आया हुआ है, पहले भी प्रीवियस ईयर में 2017-20 में दिया गया है। प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट में टेन एक्स, और हमको इसको प्रूव करके दिखाना है कि किसके इक्वल है, पाई बाई 4। तो देखते हैं, आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं और समझेंगे कि कैसे इसको जीवे में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें बच्चों, जब भी प्रूफ का सवाल आए तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट ले लेते हैं और राइट वाला हमको लाना होता है। तो हमने क्या कर लिया, लेफ्ट वाला पार्ट को क्या कर लिया, ले लिया LHS। क्या दिया गया है, तो हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इसको क्या कर लें, आई के इक्वल लेट कर लें। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, जो लेफ्ट वाला पार्ट है किसके इक्वल है, आई इक्वल दिया गया इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और डी एक्स बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट में क्या टेन एक्स। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब बच्चों देखते हैं इसको कैसे जीवे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके पाई बाई 4 दिखाना है। तो बच्चों, ये किसका सवाल है, इंडेफिनिट का है कि डेफिनिट का है, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगी हुई। इसकी एक क्या है, लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, पाई बाई 4 कैसे आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन में 7 टाइप्स की क्या प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में क्या करी गई थी, पढ़ाई गई थी, उनका ही क्या करना है, यूटिलाइज करना, यूज करके हमको इसको प्रूव करना है, जिससे क्या इजी वे में प्रूव हो। प्रूव और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन क्या वो एक टफ पोर्शन पड़ सकता है। अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी इसमें लग सकती है, देखो 0 टू a फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी, पढ़ी थी, और सेवंथ वाली भी प्रॉपर्टी 0 टू a थी, बट वहां पर इवन ऑड चेक करना पड़ता है। तो इसलिए क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं, क्योंकि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगती है। क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी लिख देते हैं पहले, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल आप क्या पढ़ा था, 0 टू a fx dx इक्वल क्या था, लिमिट सेम ही रहती थी 0 टू a, बट f और फंक्शन आप x जो था उस x के प्लेस पे क्या हम पुट कर देते थे, अपर लिमिट में इसको क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, मतलब क्या कर देते थे, a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी P4 थी, यही क्या थी, P4 प्रॉपर्टी थी। तो हम क्या कर देते थे, मतलब अपर लिमिट में से फंक्शन को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट अगर इसमें हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई अपर लिमिट ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब कॉट एक्स बन जाएगा। तो उससे भी हमें कोई क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो याद रखना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ जाए, टेन एक्स आ जाए या कॉट एक्स आ जाए, टेन कॉट के अलावा साइन कॉस चेक पर कुछ भी आ जाए, बट अगर टेन कॉट में आ रहा है तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि उसको साइन और कॉस में क्या करें, टेन एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो मतलब साइन कॉस के फॉर्म में इसको क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो पहले उसको ब्रेक करेंगे क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स में। देखो तो क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल था इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और क्या था, डी एक्स बाई 1 प्लस रूट में कितना, टेन एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमने बता दिया जब भी यहाँ पर क्या टेन एक्स, और एक बार सॉल्व कर ये भी आया कि यहाँ पर कॉट एक्स लिख दिया। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 और डी एक्स बाई क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई स्क्वायर रूट लगा है तो अलग अलग लिख दिए, स्क्वायर रूट में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक लिख लिए। अब देखो इस टाइप का लिख लिया, तो अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम भाई यहाँ पर वन कर डेट कर लें और एलसीएम ले लो, तो कुछ क्या मिल जाएगा, आई इक्वल एलसीएम ले हो तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और जब ये एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, एलसीएम रूट के अंदर कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डी एक्स ही है, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट में कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट में साइन एक्स।
ये मिल गया। बट बच्चों ये क्या है, यहाँ पर अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है न्यूमरेटर, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है कहाँ, जो कि हर वाला मतलब क्या हो जाएगा, डिनोमेटर का पोर्शन ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा। तो ये जो रूट कॉटेक्स है, कॉसेक्स है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा और कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। ये सवाल हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। याद रखना कि ये भी सवाल बोर्ड में आया हुआ है, तो ये क्या है कि यहां से यहां तक आए, या ये वाला सवाल है, दोनों के लिए क्या है, मतलब दो सवाल आपके एक ही सोल्यूशन सेम है, ठीक है। तो आपके क्या हो रहे हैं, दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब देखो क्या करें, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, ये प्रॉपर्टी नंबर फोर थी जो हमने लिखी थी, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो लिख दें यूजिंग पी फोर, यूजिंग क्या हो जाएगा पी फोर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ का क्या कर रहा है, यूज। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ का क्या बताया था कि जो भी फंक्शन एक्स का होता है उसको क्या करते हैं, अपर वाली लिमिट से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, एक्स को। तो यहाँ पर भी कर दो वही चीज, पी फोर का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू। अब बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस, अपर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू, तो यहाँ क्या लिख दें, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक। याद रखना यहाँ नहीं सब्ट्रैक्ट कर देना, इसका डीएक्स का मतलब क्या है कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, बाय यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक बच्चों, ये मिल गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों मिल जाएगा आई इक्वल इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाय टू, देखो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट में साइन एक्स, क्यों, ये तो सभी बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में ही ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, 90 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस एक्स और क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक। अब देखो क्या करें, आज जो क्वेश्चन नंबर ये हमको मिली है सॉल्व करने पर, जो सिंप्लीफाई किया था, इसको क्या कर लें, सेकेंड इक्वेशन लेट कर लें, ठीक। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या फर्स्ट इसको इसको माना था, इसको सेकेंड, तो इसको फर्स्ट ना माने के, तो ये हम क्या किया था, कोई यूज में आई नहीं, तो हम क्या कर लें बच्चों, हमने जो ये कन्वर्ट किया था इसी को क्या कर ले, फर्स्ट हम मान ले। याद रखना इसको फर्स्ट मानने से कोई बेनिफिट नहीं मिला, हमने क्या करिए, इसको फर्स्ट मान ले। अब अगर फर्स्ट सेकंड को क्या करें, ऐड कर लें, क्या कर लें, ऐड कर लें, मतलब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहां से देखो लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड कर लो, तो आई ओ आई कितने हो जाएंगे, टू आई, आई आई टू आई इक्वल हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू। देखो बच्चों जिनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब क्या है, चलो लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को डायरेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई, यहां से क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, प्लस यहां से देखो क्या रूट के अंदर साइन एक्स, हालांकि आपको डायरेक्ट लिख देना इसकी कोई नीड नहीं है, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, ए प्लस बी लिखो चाहे पी बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। अब इसको क्या करना, ब्रैकेट लगा दें यहां से, ठीक, यहां से ब्रैकेट, और दोनों में डी एक्स था तो डी एक्स को क्या लिख दें, बाहर लिख दिए, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, जिनके डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहां से मिल जाएगा टू आई इक्वल क्या मिल गया, जीरो टू पाई बाई टू, और यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि हर क्या है जिनके क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम ही तो ये दोनों क्या होगा, ऐड में लिख गए, क्या हो जाएगा साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, और क्या लिख दिया डी एक्स। देखो ये इससे क्या हो जाएगा, पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो यहां से हमको मिल गया क्या मिला, टू आई इक्वल, टू आई इक्वल जीरो टू पाई बाई टू। बच्चों ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ क्या बच गया वन, तो ये हो जाएगा क्या डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या वन और वन का इंटीग्रल बच्चे बच्चों को मालूम, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या होता है एक्स होता है, तो टू आई इक्वल क्या हो जाएगा एक्स, और लिमिट को क्या कर दें अप्लाई जीरो टू पाई बाई टू, तो यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से मिल जाएगा टू आई इक्वल क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई बाई टू माइनस जीरो इक्वल क्या पाई बाई टू, तो टू आई इक्वल क्या मिल गया पाई बाई टू, तो आई की वैल्यू क्या मिल गई पाई बाई फोर। और बच्चों आई ही तो क्या था, देखो आई ही क्या था मेरा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना था, क्या आई लिया था क्या प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड, तो आई इक्वल ये केस के बराबर है आर एच यस, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बच्चों हमने पूरी कोशिश की है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको एक बेहतर तरीके से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और यदि क्या इसी तरह से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के आई टी एफ के उनको क्या कर दिया ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया, तो आप मेरी प्ले लिस्ट चेक कर लें, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको जरूर प्रैक्टिस करें, उनके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने क्या प्रेजेंट।